राज्यसभा में गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल पास करवाने की राह हुई आसान। लेफ्ट का मिला साथ, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया समर्थन का ऐलान। वकील एमएम खान हत्या मामले में केजरीवाल के खिलाफ अनशन पर बैठे बीजेपी सांसद महेश गिरी और सुब्रमण्यम स्वामी, केजरीवाल ने महेश गिरी पर हत्या का लगाया था आरोप। यूपी चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी का आत्ममंथन हुआ तेज। 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों को अगले चुनावों से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। जनता की नाराजगी से बचने के लिए उठाया जा सकता है ये कदम। मोदी सरकार पर ममता का वार, कहा मेक इन इंडिया के नाम पर बेच रहे हैं देश। स्वच्छ भारत अभियान को भी बताया पिछली सरकार के कामों का क्रेडिट लेने का प्रपंच। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने लगाया सपा सुप्रीमो पर धमकाने का आरोप। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख कहा यूपी कैडर से किसी अन्य जगह किया जाए ट्रांसफर। खनन मामले में ठाकुर की पत्नी नूतन ने की थी खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की लोकायुक्त में शिकायत। आरबीआई चीफ रघुराम राजन की विदाई, दूसरा कार्यकाल नहीं, सरकार कई मामलों में थी नाराज। अब घटेगी दिल्ली वाराणसी की दूरी, महज 2 घंटे 40 मिनट में तय होगा सफर। मुंबई अहमदाबाद के बाद अगला बुलेट प्रोजेक्ट वाराणसी को। यूपी के लखनऊ से बंटी बबरी गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों को झांसा देकर लूटते थे ई रिक्शा, पुलिस ने 7 ई रिक्शा किए बरामद। पाकिस्तान में ओम का अपमान, सिंध प्रांत में बिक रहे हैं ओम के निशान वाले जूते। दिल्ली वालों को मिली गर्मी से राहत, मौसम का बदला मिजाज, कई जगहों पर हुई बूंदाबांदी, अगले 24 घंटे में हो सकती है तेज बारिश।